कैसी फिल्म है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी फिल्म है पृथ्वीराज? बहुत अच्छी लगी सर। कैसी फिल्म है? बहुत कैसी फिल्म लगी? थी बढ़िया थी भाई। कैसी फिल्म लगी? बढ़िया जी बढ़िया। ऐतिहासिक फिल्म है? यस सर बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन भैया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन फिल्म। कैसी फिल्म थी? एक नंबर। कैसी फिल्म थी? बहुत बढ़िया। कैसी फिल्म थी? बढ़िया। कैसी फिल्म थी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी फिल्म? बहुत ही अच्छी थी। कैसी फिल्म थी? बढ़िया भाई। कैसी फिल्म थी? बहुत अच्छी फिल्म। कैसी फिल्म थी? एक नंबर फिल्म थी। सारा फूलों की बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, और इस प्रकार का ऐतिहासिक फिल्म बनना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस प्रकार के ऐतिहासिक फिल्म पे भी सवाल उठाते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन भारत के इतिहास के पन्नों से वो सारी चीज़ें गायब है जो वीरता की कहानी जो है राजाओं के बारे में थी, सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइनें दिखाई गई थी। आज जो है इस प्रकार का अगर फिल्म बनेगा तो भारत के लोगों को पता चलेगा भारत के राजाओं की वीरता की कहानी, और इस प्रकार की फिल्म लगातार बननी चाहिए, तब जाके जो है कहीं नहीं तो कहीं भारत का इतिहास जो है वो पूरा होगा। अभी भारत का इतिहास किताबों में अधूरा है। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता मौर। अच्छा, कैसी फिल्म लगी? बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छी। बाबू तुम भी फिल्म देखने आए थे, कैसी फिल्म लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। कैसी फिल्म लगी? बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा, इस प्रकार का फिल्म बनना चाहिए कि नहीं बने? बनना चाहिए, इससे प्रेरणा मिलती है सबको कि भाई हमें सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, नारी का सम्मान भी करना चाहिए, पृथ्वीराज फिल्म में दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा कि नहीं? देखा जी। ये मेन मुद्दा यही था कि औरत का सम्मान के लिए लड़ाई रची गई थी, और मेन उसी के लिए औरत ने भी अपने पति का साथ दिया, उसके लिए आग में ही कूद गई वो, उसके सम्मान में, उसके सम्मान के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए। और पृथ्वीराज को धोखा से मारा गया था, ये बातें जो है इतिहास के पन्नों में नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज के बारे में चार लाइन बताई गई है, सिर्फ चार लाइन। पृथ्वीराज को कैसे मारा गया, मारने के बाद कहाँ लेके जाया गया, फिर पृथ्वीराज ने क्या किया, ये सारा कहीं नहीं तो कहीं इतिहास के पन्नों से गायब था। कैसी लगी पृथ्वीराज फिल्म? सर पिक्चर तो बहुत चलो बढ़िया बनाई है, लेकिन है ना बॉलीवुड है ना न्याय नहीं कर पाया इस पिक्चर के साथ। जो उनकी वीरता है, जो उनकी गाथा है, इन्होंने वैसे एक पिक्चर को ना भगाया है, बस किसी तरीके से पिक्चर को 2.25 घंटे अंदर है ना उसको ख़त्म कर डाले हम पिक्चर को, बस पृथ्वीराज की वीरता दिखा दी, ये कर दिया। पृथ्वीराज की आप कहानी भी पूरी दिखा रहे हो, कहानी को तोड़ मरोड़ को दिखा रहे हो, और वो एक जो है 16 लड़ाई हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था उसको लड़ाई में। अगर इसकी जगह टॉलीवुड ने पिक्चर बनाई होती, टॉलीवुड ने पिक्चर बनाई होती तो वो आज अलग ही था। आज पहले दिन में 250 करोड़ कूद चुकी होती पिक्चर। बॉलीवुड ने पिक्चर बनाई है आज, ये नहीं। अक्षय कुमार एक आप 50 साल के हीरो हो, 22 हाँ 55 साल के हीरो हैं आप, 26 साल की मानुषी छिल्लर के साथ आप वो प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, वो जो पृथ्वीराज चौहान बने हो वो आपको शोभा नहीं देता, वो नहीं देता शोभा। अक्षय कुमार पृथ्वीराज के रोल में, अक्षय कुमार तो चलो जैसा भी है अब तो चलेगा ही, लेकिन ये बॉलीवुड नहीं न्याय नहीं कर पाया है पिक्चर के साथ। एक लार्ज स्केल पे ना इनको पिक्चर बनानी थी, एक अच्छा युद्ध दिखाना था, टाइम होना चाहिए था फिल्म का, ड्यूरेशन कम से कम 3 से 3.25 या 3.5 घंटे होने थे। ये कहियो हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वो अगर उसके ऊपर आप पिक्चर बना रहे हो तो आप पिक्चर को भगाओगे, जल्दी ख़त्म करोगे? नहीं, उनके हर वीरता उनकी दिखानी है, हर चीज़ दिखानी है उनकी। अब इन्होंने कहने का मतलब है कि साउथ में बना रहता ये फिल्म तो और अच्छा होता। हाँ बिल्कुल, साउथ में वालों ने जो पिक्चर बनाई होती तो वास्तव में ही पिक्चर देखने का आपको मज़ा आता, आपको असली वीरता का पता चलता। इसमें ये वो मैं बार बार वो एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये आप ये बॉलीवुड जो है जो पृथ्वीराज के साथ न्याय नहीं कर पाया है, नहीं कर पाया उनके साथ। अब इस पिक्चर को फिल्म कैसी थी? फिल्म चलो सही थी फिल्म, तो आप जो पृथ्वीराज के फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं? ऐसी फिल्म ऐसी पिक्चरें जरूर बनानी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए और दिखानी भी चाहिए। ऐसी फिल्म हिट होनी चाहिए कि नहीं? ऐसी पिक्चर हिट नहीं, ये सुपर हिट पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ ये ऐसी ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, ऐसी पिक्चरें आप समाज को जागृत करती हैं। हमारे वो हमको जो पीछे वो झूठी कहानियाँ बताई दी गई हैं, झूठी कहानियाँ अकबर मान बाबर मान ये सब हमें ना बचपन से ही है ना ये झूठ। पृथ्वीराज महान, हाँ पृथ्वीराज महान हमने ये सब है ना सब कुछ बचपन से हमको झूठी कहानियाँ बता दी गई है, लेकिन अब हम चलो पिक्चरों के माध्यम से हमारा समाज जागृत तो हो रहा है किसी भी तरीके से, अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं। चल बॉलीवुड में लास्ट में अकल तो आई, थोड़ी बहुत लेके आए आज से ही। अच्छा, अक्षय कुमार वो बीमल का प्रचार करते हैं और पृथ्वीराज बीमल का प्रचार तो कभी नहीं कर सकते थे अगर आज के समय में होते तो।
अगर हाँ देखो कितनी अच्छी बात आपने, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जान के बदले में मुट्ठी भर जमीन भी सुल्तान को ना दूं, और ये अक्षय कुमार मुट्ठी भर गुटखा देते हैं सारे युवाओं को इनके पास। हाँ हाँ बिल्कुल, अब इनके पास फिल्में बची नहीं है, अब पिछले इनकी पिक्चर देखते नहीं है, बॉलीवुड की पिक्चर देखता नहीं है आदमी है बिल्कुल भी। अब तो अभी इनके पास क्या चारा बचा है, इनके पास यही चारा बचा है कि अब ये पैसे अब खलबीमल बेच के पैसे कमा लें, गुटखा बेच के पैसे कमा लें, और ये अब धीरे धीरे वाइन का भी करेंगे, ये वाइन भी बेचा करेंगे ये अब पर्दे पे। अब तो अभी गुटखा बेचा, फिर वाइन बेचेंगे, फिर और सारा नशा बेचेंगे अब ये, क्योंकि इनके पास अब रोजगार नहीं है, टॉलीवुड ने रोजगार इनका छीन लिया है बिल्कुल तरीके से, टॉलीवुड ने बिल्कुल इनकी पिक्चरों को ख़त्म कर दिया है। वो चलो अगर पृथ्वीराज के ऊपर पिक्चर बनाई है तो आए, टॉलीवुड के भी कुछ कलाकारों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बार बार ये विवाद करते हैं, हिंदी भाषा का अपमान करते हैं, ये भी गलत है, चूँकि अपना देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, संविधान एक है, तो हम सभी एक हैं और हमारा इंडस्ट्री भी एक है, भले उस इंडस्ट्री का अलग अलग नाम है, तो हम लोग बहुत प्यार देते हैं टॉलीवुड वाले को भी, हम लोग बहुत प्यार देते हैं साउथ इंडस्ट्री वाले को भी, तो वहाँ पे कम से कम दूसरे इंडस्ट्री का, दूसरे भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग चाहते हैं। और ये तो स्क्रिप्ट के साथ ना छेड़छाड़ करके चलते, जो चीज़ है वो नहीं दिखाएंगे, ये अपनी मर्जी के दिखाते हैं, बॉलीवुड अपनी मर्जी के दिखाएंगे, बेवजह गाना डालते हैं। हाँ इसमें गाने का क्या मतलब था, इसमें आप संयोगिता अरे पृथ्वीराज चौहान के बीच में गाना दिखा रहे हो इस तरीके से, ये शोभा देता है? हमारे एक हिंदू सम्राट थे वे, वो तो उनके लिए शोभा नहीं देता सर कि आप उनको प्रेम प्रसंग में दिखा रहे हो, तो आप उनकी ऐसे दिखा रहे हो, वो नाच रहे हैं कूद रहे हैं, नहीं यार वो उनके लेवल का। आप जैसे हॉलीवुड फिल्मों में ऐतिहासिक फिल्म बनता है तो उसमें गाना नहीं रहता है, गाना नहीं रहता है, म्यूजिक रहता है जबरदस्त। तो ये समझना चाहिए बिना गाने के भी पिक्चर से पिक्चरें चलती हैं। केजीएफ चली, चली आप ये आरआरआर चली, ये अब बिना गाने के भी पिक्चर चलती हैं, इनको ये समझना चाहिए। अब भी नहीं समझे तो ये बॉलीवुड अपने मुंह पे खुद है ना तमाचे मार रहा है अपने पैर। पृथ्वीराज फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी? बिल्कुल देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए पृथ्वीराज। अब मैं विनती करना चाहता हूँ देश के लोगों से कम इस प्रकार का ऐतिहासिक फिल्म बने तो कम से कम 10 लोगों को फ्री में जरूर दिखाएं, कम से कम 10 लोगों को फ्री में इस प्रकार का फिल्म जरूर दिखाएं। जय हिंद।